हाय एवरीवन, दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ नदी के ऊपर बहती है नदी। तो आइए जानते हैं। जर्मनी के मैग्डेबर्ग शहर में स्थित इस ब्रिज के ऊपर गाड़ियाँ नहीं, पानी का जहाज चलता है। दरअसल एल्बे नदी के ऊपर बने इस पुल को देखकर ऐसा लगता है जैसे नदी के ऊपर नदी बह रही है। इस ब्रिज को मैग्डेबर्ग वाटर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से नदी के ऊपर बह रही यह नदी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जरिए कई बड़े छोटे व्यावसायिक जहाज़ों का उपयोग पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी आने जाने के लिए किया जाता है। इस पुल का निर्माण सन 2003 में हुआ था और यह जहाज चलने के योग्य दुनिया का सबसे लंबा जल सेतु भी है। इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। इस ब्रिज को बनाने के लिए मैग्डेबर्ग शहर के बाहर एल्बे नदी के विपरीत दिशाओं में बहने वाली नहरें हवेल और मिटीलैंड को जोड़ा गया। इन दोनों नहरों को एक साथ मिलाकर नदी के ऊपर से ब्रिज के जरिए ले जाया गया और शहर से काफ़ी दूर एल्बे नदी को मिला दिया गया। इसी तरह नदी के ऊपर एक और नदी बन गई जिससे जहाज़ों की आवाजाही के लिए एक नया रास्ता बन गया। बता दें आपको कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3,566 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों आपको इस वीडियो में नदी के ऊपर बहती नदी के बारे में जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो में एक नई अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।